अभी अभी आई एक बहुत बड़ी खबर उन्नाव रेप के इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से रेप का आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें, उन्नाव रेप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज सीजेआई रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म और एक्सीडेंट से जुड़े सभी केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। रंजन गोगोई ने आदेश देते हुए यह भी कहा कि इस मामले से जुड़े सभी चार्जशीट दिल्ली कोर्ट में दाखिल किए जाए। और तो और, पीड़िता के कार के एक्सीडेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 7 दिनों में जांच पूरी करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने सॉलिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल पूछते हुए कहा कि आपको इस मामले में जांच करने के लिए कितना समय चाहिए। उस पर सॉलिटर जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि 1 महीने का समय चाहिए, लेकिन सीजेआई गोगोई ने उनके इस अपील को ठुकराते हुए कहा कि 1 महीने में नहीं बल्कि 7 दिन में रेप पीड़िता और अन्य के सड़क हादसे की जाँच पूरी कीजिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 बजे से पहले पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी है। सीजेआई ने पीड़िता का हाल पूछते हुए कहा कि पीड़िता की कैसी स्थिति है, अगर पीड़िता एयरलिफ्ट करने की हालत में है तो उसे दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया जाए। और तो और, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इससे जुड़ी हुई सभी केस की सुनवाई एक ही जज करेगा। उन्होंने इस पर आदेश देते हुए कहा कि पूरे मामले का ट्रायल 45 दिन में पूरा किया जाए। हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हालांकि पहले भी बीजेपी कहती आ रही थी कि कुलदीप सेंगर को भाजपा से बाहर कर दिया गया है, लेकिन आज ऑफिशियल तौर पर ऐलान करते हुए सेंगर को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा सीट से विधायक थे। फिलहाल वह दुष्कर्म मामले में उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद है। वहीं रविवार को सड़क हादसे में जख्मी हुई पीड़िता और उनके वकील की हालत भी नाजुक बनी हुई है। दोनों का इलाज लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल में चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि अगर पीड़िता और उनके वकील एयरलिफ्ट करने की हालत में है तो उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया जाए। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लगातार निशाना साध रही है। उन्होंने ट्वीट के जरिए भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा कि अगर कोई रसूख वाला बड़ा इंसान कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ हमारी आवाज सुनी जाएगी क्या। उन्होंने दूसरी तरफ लिखा, एक बाराबंकी की छात्रा का बालिका जागरूकता रैली के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से उठाया गया सवाल है, यही सवाल आज उत्तर प्रदेश की हर महिला व बच्ची के मन में है। उन्होंने इन सब सवालों पर बीजेपी से जवाब मांगा है।